न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पटना में भिड़े केजरीवाल और अमर अब्दुल्ला, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने किया बीच बचाओ, जानिए पूरा मामला। जैसी उम्मीद थी उतना हंगामा या बवाल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की विपक्ष एकता बैठक में तीखी नोकझोंक में कहीं मौके आए। विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला आपस में भिड़ गए, तो NCP के शरद पवार, शिवसेना UBT के उद्धव ठाकरे ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। इसी तरह एक बार ममता बनर्जी कांग्रेस पर उखड़ गई कि यहाँ एकता की बात हो रही है, वहाँ बंगाल में कांग्रेस के नेता धरना दे रहे और लगातार TMC पर हमला बोल रहे। हुआ ये कि पहले से घोषित एजेंडा पर अमल करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बैठक में, जब उनकी बारी आई तो दिल्ली में सरकार के अधिकार पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की चर्चा की और कहा कि इस पर राज्यसभा में सारे विपक्षी दल आपका समर्थन करे। केजरीवाल ने इसकी चर्चा करते हुए कांग्रेस की तरफ बंदूक मोड़ दी और सनसनीखेज आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा में अध्यादेश को लेकर गुपचुप समझौता हुआ है कि वह जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तो कांग्रेस के सांसद वॉक आउट कर जाएंगे। केजरीवाल के यह बोलते ही हंगामा मच गया, तुरंत दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला ने और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाया। अब्दुल्ला ने केजरीवाल से कहा कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया तब तो आपकी पार्टी ने सरकार के साथ वोट किया था, तब तो आपने हमारा समर्थन नहीं किया। आज आपके ऊपर संकट आया है तो आप चाहते हैं कि सब आपका साथ दे। केजरीवाल और अमर के उलझने पर शरद पवार ने बीच बचाव का मोर्चा संभाला और केजरीवाल से कहा कि आम आदमी पार्टी को NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सीखना चाहिए। पवार ने कहा कि दोनों पार्टियां 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रही थी, लेकिन जब समय की जरूरत हुई तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। साथ काम करना है तो मतभेद दूर रखने होंगे। हालांकि मीटिंग के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों की राज्य सरकार के सामने कोई चुनौती आती है तो सब साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल मीटिंग में रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल जाए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी से मिले गूगल, अमेज़न और बोइंग CEO जैसी, बोले भारत में नौकरियों के सृजन के लिए उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है। यात्रा के अंतिम दिन उन्होंने गूगल के CEO सुंदर पिचाई और अमेज़न CEO इंडस्ट्री जैसी से मुलाकात की। बता दें, यात्रा के पहले दिन PM ने स्टेला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री से मिलना मेरे लिए गर्व की बात है, गूगल CEO PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गूगल CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि राज्य की यात्रा के दौरान PM मोदी से मिलना मेरे लिए गर्व की बात। मैंने उन्हें बताया कि भारत के डिजिटलीकरण कोष में गूगल $10 बिलियन का निवेश कर रहा है। हम गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना वैश्विक फिटनेस ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे। PM मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना उनके समय से काफ़ी आगे था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब दूसरे देश की इसी कदम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरियों पर बोले अमेज़न CEO। वही अमेज़न CEO इंडियो जैसी ने PM मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि भारत में नौकरियों के सृजन के लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। छोटे और मध्यम प्रकार के व्यापार को डिजिटल रूप में समक्ष और भारतीय कंपनियों और भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात करने के लिए मैं मदद करूंगा। अमेज़न भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हम पहले ही भारत में $11 मिलियन का निवेश कर चुके। इसके अलावा और $15 मिलियन निवेश करने का इरादा है। इसके अलावा PM मोदी ने वॉशिंगटन में बोइंग CEO डेविल एल कैलहन से भी मुलाकात की। एलन मस्क भी कर चुके हैं PM से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मस्क ने कहा था कि मैं भारत के भविष्य को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ। विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत के पास सबसे अधिक संभावना है। PM मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते, इसलिए महत्वपूर्ण निवेश के लिए वे हमें लगातार प्रेरित करते। मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। PM मोदी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई है, मैं उनका फैन। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
खाजूवाला मामले को लेकर अनिता बादल ने कहा सरकार और पुलिस कर रही राजनीति। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से गैंग रेप और हत्या मामले में बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने खुलकर सामने आ। खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंग रेप और मर्डर मामले में पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। वही मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल द्वारा गठित तीन नेताओं की सदस्य कमेटी ने भी मृतका के परिजनों से बात की। इस कमेटी के पार्टी के एएससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, विधायक अनिता बादल और जोधपुर नगर निगम की मेयर वनिता सेठ शामिल। अनिता बादल इस पूरे मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है, ऐसे में बीजेपी आम जनता के साथ खड़ी है। गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पूरी तका है, तका से जंगल राज है। इस घटना में शामिल अपराधी की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। अनिता बादल ने कहा कि युवती के पिता को रात 8 बजे पुलिस ने घर से उठा ले गई, सिर्फ घर पर शराब पीने के मामले में ही उठा ले गई पुलिस। बादल ने पूर्व सीआई अरविंद सिंह की भूमिका को भी संदिग्ध बताते हुए कहा कि सीआईओ को सब पता था इसलिए ट्रांसफर करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा ब्लीडिंग से युवती की मौत हुई। कैलाश मेघवाल, विधायक अनिता बादल का कहना है कि राजस्थान में बेटियां सुरक्षित नहीं, जिस पुलिस को रक्षक माना जाता है वही भक्षक बन चुकी है। अब पुलिस प्रशासन मामले की लिपापोती में करने में लगा है। नेताओं का कहना है मृतक को परिवार के साथ है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, आईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।